ये रहा, मिल गया मिल गया, रिवेंज ऑफ द मॉर्निंग स्टार, ये रहा, आ जाओ एक बंदा, आ जाओ वोट करने। ओए इधर वोट कर दो। अरे तुम पास में खड़े हो, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये रहा देखो, द रिवेंज ऑफ द मॉर्निंग स्टार। अभी हमें रिवेंज लेने जाना है गाइस, रिवेंज लेंगे, धुलाई करेंगे इसको। उसकी लोकेशन पता है वो कहाँ पे छिपा हुआ है, बता हमें लोकेशन, हमें धुलाई करने जाना है उसकी। What's your interest in that old book? Trust me, the ship it speaks of is too old and too well beached to salvage anything of value. Just a musty old wreck. Key, toll tale received. Ship log. An account. Account of the final battle of the Morning Star and her crew. ओके तो उनकी फाइनल बैटल का लॉग है ये, कहाँ से कहाँ गए थे पता लगा रहा है हमें। आ जाओ गाइस मैप पे आ जाओ, मैं बोलूँ वो ढूंढो। अरे अभी अभी मत उठाओ, अभी मत उठाओ, हम चल पड़ेंगे वरना। चल उठा लिया मैंने। अच्छा ब्लडर के ढूंढो, ब्लडर के, ब्लड ब्लडर के सर, कोई आइलैंड है अभी क्या लोचर के? ये रहा ये रहा, ये देखो वो लोग यहाँ पर थे। माई क्रू है ऑलरेडी अबेंडन, उन लोगों ने शिप छोड़ के भाग गए इसके क्रू। फिर स्केटर्ड थ्रू आउट द शिप आर रिकॉर्ड्स ऑफ आवर फाइनल आवर्स, इफ यू लाइक वाइज सीक द शोल्डर ब्रेकर। अच्छा श्राउड ब्रेकर अगर आपने ढूंढ लिया तो क्या होगा, रिकवर देम, दे मे प्रूव vital to your success or even your survival. Okay, any hope that we might okay elude gamero our pursuer. Acha wo jo tha na, wo jo main skeleton wo picha kar raha tha in logo ka, was lost when we stumble across a okay treated and yellow scroll upon which our likeness. Oye kya likha hai mujhe samajh nahi aa raha. चलो ब्लडर के पे जाना है, किस तरफ जाना है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जाना है, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच की तरफ, मतलब उसी तरफ। चल भाई देखो क्या देखो, ओ नाइस, कितना बड़ा पट रहा है, ओ हो मजा आ गया। मैप में देखो हम कहाँ जा रहे हैं। अरे ये शिप पे कोई आ गया, अरे कौन आ गया, मारो। मैंने मारी दो तलवार रखी, मार दिया मैंने, रिवाइव दे रहा हूँ, रिवाइव दे रहा भाई। वही तो देख कौन चलाया मैं, मतलब ये थी वो। हमें कहाँ जाना है? चलो आप मैं देख लो, ये कहाँ से आ गया, तो कौन था ये मोटू कहीं का? लेफ्ट लेफ्ट, अरे लेफ्ट में नहीं जा सकते ना, यहाँ पे बीच में आइलैंड है, सेल गिराओ। चलो रेडी रेडी, सब पर यार चढ़ा दिया, ये क्या था ओए पागल लोग, जाओ रिपेयर करो, मैं इनको मारता हूँ जाके। अभी कैनन से मारे घर को, बस मुंह पे दोनों को उड़ा दिया। भाई यहाँ पे कुछ ढूंढना है, पहले रिपेयर करके आना शिप को। फिर गोलियां खाली हो गई, हाँ ओके हमें कुछ ढूंढना है यहाँ पे, पेज होने चाहिए जा। अभी तक मरा नहीं है, इन लोगों के ऊपर है ना अटैक हुआ था, मतलब पानी में कुछ टूटा हुआ सीप वगैरह होगा क्या, पता नहीं, पर यहाँ पे पेज तो होने चाहिए क्योंकि आगे का, हाँ मतलब पेज मिलेंगे, सीप जैसा होगा टूटा हुआ। इन लोगों पे अटैक हुआ था, इन लोगों ने अबेंडन कर दिया था सीप और उनका सीप डुबा दिया था अटैक करके। अभी सीप कहाँ पे है, छोटा सा सीप, टूटा हुआ सीप ढूंढो पानी में है लोग। वो ऐड होता है, हाँ वो ऐड होता रहता है। देखो ये क्या चीज़ है, बक्से दो,
और देखो यहाँ पे टूटा हुआ शिप मलबा यहाँ पर है। कैप्टन क्वार्टर में कुछ मिलेगा, कुछ मिले तो बता ना। वो यहाँ पे कुछ चमक रहा है, मिला कुछ, मिल गया कुछ, मिल गया। यस चलो चलो, हाँ जाओ ऊपर। अरे ओए मैं चिपक गया, ऊपर जाओ। नए पेजेस ऐड हुए, नाइस, और पेजेस मिले हमें। क्या लिखा है ये, हमारी शिप क्यों घूम रही है अपने आप? अपने ऊपर के रखा है। अच्छा गुब्बारे पे लगा देता हूँ, अब हमें पता चलेगा कहाँ पे जा रहा है। टाइटैनिक मिल गया, वाह वाह। ये क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, मतलब कैसी गंदी हैंडराइटिंग है। मैनुअल लेबर डज नॉट शूट मी, आई फाउंटेन बिकम अ पायरेट सो दैट आई कुड अवॉइड एन ऑनेस्ट डेज वर्क। क्या इसने पायरेट ही, मतलब पायरेट इसीलिए बना क्योंकि उसको अच्छा काम करने में आलस आ रहा था, जो ऑनेस्ट काम करके पैसे कमाने में आलस आ रहा था इसको। ऑफकोर्स आई हैड नोट है नो वन टू हेल्प मी बिकॉज दैट लिटल फूल ली बेर, क्या लिखा है यार, एंड फेल ओवर बोर्ड, आई होप सी गेट्स बिटन बाय। अच्छा इसको छोड़ के भाग गए थे ना, तो ये सोच रहा है कि आई होप कि उसको मरमिट खा जाए करके। आई हैव नो मैप सो दिस नोट इज टू रिमाइंड मी वेर आई बरीड द चेस्ट। ओ इसके पास मैप नहीं था इसलिए इसने नोट लिखा है ताकि उसको पता चले कि इसने कहाँ पे चेस्ट वो छिपाया हुआ है खजाना। इट इज हिडन इन द सैंड बिटवीन अ पाम ट्री एंड अ रॉक। ओ यहीं पे खजाना है गाइस, ठीक है रॉक के पास। क्या लिखा है, इट इज हिडन इन द सैंड बिटवीन अ पाम ट्री एंड रॉक। अच्छा यहाँ पर, यहाँ पे नहीं, पत्थर एंड पैम ट्री के बीच में। हाँ खुदाई करो, जहाँ पे भी पत्थर और पैम ट्री के बीच में जगह है वहाँ पे खुदाई करो। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। वे मैं कहाँ अटक गया, यहाँ पर भी नहीं है। ओ, मिल गया, नाइस नाइस। चलो और क्या लिखा है उसने, और कुछ काम की चीज। इट शुड इजी टू फाइंड बिटवीन द टू। हाँ ये तो मिल गया। आई विल मिस द क्या एडमायरिंग ग्लेस व्हाट वी ब्रश इन अवर फिर दादा। इसमें और भी चीज़ मिलेगी फिर तो। क्या मिला, क्या क्या उठाया पता नहीं। अच्छा और पेज मिले, और भी पेज मिले। अरे सिंबल भी मिला 150। ओ नो ये तो सिंबल है। ओए ओए अभी अभी और पजल सॉल्व करनी है। जब देखो तब पजल देते हैं। रिवेंज ऑफ द मॉर्निंग स्टार वन ऑफ द क्रू। अच्छा पेमेंट रिसीव्ड, थैंक यू काइंडली। अच्छा इन लोगों को पेमेंट मिल गया था, थैंक यू बोल रहे। व्हेन वन ऑफ योर क्रू वांट्स टू चैट अबाउट ऑल थिंग्स। ओ चलो शिप पे आ जाओ, ये लोग परेशान करेंगे वरना। गिली कर रहे हो ये वाटरप्रूफ है। चलो क्या लिखा है इसके लिए, दे विल फाइंड माई टेवरन ऑफर्स द वार्मेस्ट वेलकम। अरे वेलकम ऑन सेंचुरी आउटपोस्ट। अच्छा तो नहीं किया, घूमना बंद। पेमेंट रिसीव, थैंक यू फॉर काइंडली। व्हेन वन ऑफ योर क्रू वांट्स टू चैट अबाउट ऑल थिंग्स केली, दे विल फाइंड माय टेवरन ऑफर वार्मेस्ट वेलकम ऑन सेंचुरी आउटपोस्ट। में जाना है क्या हमें? डोंट वरी, आई वॉन्ट से वर्ड टू एनीवन अनलेस दे आर इन दोस हैंडसम यूनिफॉर्म। यू आर सो प्राउड ऑफ लूज लिव सिंक शिप्स। On the note, the old drunk Jasper was running his mouth. अच्छा वहाँ पे टेवरन में वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। जेस्पर को हमें ढूंढना है। ट्रेसी लिखा है वहाँ नीचे। ये सब ट्रेसी ने लिखा हुआ है एली को। अभी I have almost cracked the code. Okay, ये कोड क्या है?
हमारे पास कुछ आउटफिट आया है क्या नया? मॉर्निंग स्टार हैट, ओ सभी कुछ है क्या? नहीं है, चेक करिए, मुझे नहीं मिला हाउसफुट मिली है रेस। अरे मिला है मॉर्निंग स्टार, देखो मॉर्निंग स्टार वाला वो पहनना है हमें, और फिर शायद आउटपोस्ट पे जाना है। देखो मैं जो पहन रहा हूँ ना शायद वही, देखो मॉर्निंग स्टार ग्लव्स, फिर मॉर्निंग स्टार जैकेट पहन लिया सब, ये सब हमें बक्से में से मिला है शायद, तो मॉर्निंग स्टार बेल्ट है। इसका पैंट नहीं है क्या? पैंट भी नहीं है। ड्रेस पहनने के बाद पैंट कैसे दिखेगी? नहीं ड्रेस मत पहनो ना, शर्ट पहनो। पैंट का पैंट नहीं है ना, पर मॉर्निंग स्टार बूट भी नहीं है और सिर्फ पैंट नहीं है। अरे कैसे पहन दे, नहीं पहन पा रहा हूँ, क्यों? देखो मैंने तो पहना, मैंने भी पहन लिया, देखो वाह मैंने पहन पा रहा हूँ। अभी उसके पास जाना है आउटपोस्ट पे पक्का। वो आउटपोस्ट मिली? अरे मुझे ढूंढने दो, हटो। नीचे है, यहाँ पे ही तो है, सामने लेफ्ट में देखो ना, सीप के पास में था। क्या कर रहे हो? चलो सीधा ही जाना है, आ जाओ। सेल गिराओ, लग रहा है अटैक करने वाले उनके ऊपर। हमारे पास टाइम नहीं अटैक करने का, बोलो निकल रहे, निकलने दो। एंकर गिराओ, गिराओ। ओ ओ चढ़ा दिया ऊपर, जाओ रिपेयर करो आप लोग, पर सिप का ध्यान रखो, वो लोग अटैक करने आएंगे, मैं मिल के आता हूँ। हमें टेवरेन में मिलने जाना है किसी को, ये कपड़े पहन के मिलेंगे तो फिर कुछ बहुत बताएगा हमें वो, या फिर बताएगी जो भी होगा, बात बताएगी, बताएगा। ये तो एक बंदा आ रहा है फोन पे, रिफिल टैंक, यू नो हु आई एम, मैं कौन पता है? Well, the uniform beat giveaway. Ellie always like. Achha, thank you. हमारी सी famous है, blah blah blah. है? क्या हुआ? हो गया बात? है? पानी में. Captain Slade sends his regard. Oh no. आप लोग निकाल दो, सीप निकाल दो हमारी यहाँ से. Where can I? अच्छा हम जेस्पर को कहाँ पे? हमें जेस्पर को ढूंढना है। यस कहाँ पे जेस्पर? प्रोटेक्ट करो, मैं एंकर उतारो, प्रोटेक्ट करो। वाई ऊपर आई, देखो आगे आ गया है। क्या बोली? पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या मुझे? हटो। ओ जेस्पर, व्हाट अ सिली लिटिल मैन, यस ही वाज द वन हु रेटेड आउट यू। अच्छा रेटेड आउट यू एंड योर क्रू टू गेम। अच्छा ग्रे मेरे को, जेस्पर ने ग्रे मोरे को बताया था कि इन लोगों ने क्या मतलब क्या खजाना छिपाने वाले करके, जो मेन विलन है उसको जेस्पर ने बताया था। अभी जेस्पर को हमें पकड़ना है। वी डोंट टेक काइंडली टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग अराउंड हियर, सो बंच ऑफ पायरेट्स पर्स्यूडेड हिम टू लीव द आउटपोस्ट। अच्छा उसको भगा दिया था पायरेट्स ने, तुम निकलो यहाँ से। आई वुडंट वेस्ट योर टाइम सर्चिंग फॉर हिम दो, ही विल हैव गोन टू ग्राउंड नाउ दैट द डैमेज इज डन। इफ यू आस्क मी द ओनली वे टू सॉर्ट दिस मेस आउट इज टू स्टॉप ग्रे मेरो वंस एंड फॉर ऑल। टेलर इन द ट्रिंकटर्स, टेलर को मिला है। ओके ओके टेलर कौन है? टेलर कहो, कौन हो, क्यों हो? ये नहीं है, तुम हो? अच्छा इसको पता है, बताओ कहाँ पे जेस्पर? ब्राउज टेलर स्ट्रोक है, कौन लेफ्ट हो गया? हेलो पूरी ब्लैक स्क्रीन हो गई थी। अच्छा इसको बताना पड़ेगा, मेरा ड्रेस पता है तुम्हें? हेलो हेलो, आई एम हियर टू कलेक्ट व्हाट वी पे फॉर। अच्छा हमने जिसके लिए पे किया था वो कलेक्ट करने आया हूँ मैं। पे क्या हो गया है, कुछ दिया कि नहीं? भाई दोनों दोनों लेफ्ट हो गए, ग्लिच हो गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, लेफ्ट स्पिन हो गई। डोंट फॉरगेट टू रिटर्न। इसने दिया क्या कुछ हमें?
मुझे लग रहा है हमें पढ़ना ही पड़ेगा सब कुछ. What can you do? Help मेरे को पहले ये पढ़ने दो. Oh yes, and a very handsome sum is what was too. I wrote down everything I learned for you, all official like. Okay. I just seem to have misplaced my notebook. Not to worry though, it's all safely logged in my noggins. Eh? Noggin क्या होता है? You wanted to know about Commander Caspero, right? हाँ, मुझे नहीं पता मैं क्या जानना चाहता हूँ. That fellow, his thoughts are after some old mug, apparently. Not sure why they are so thirsty, but they are still poking around sinking cow. Oh, sinking cow पे जाना है शायद हमें. That's the place, or my name's not Taylor. तो हमें sinking cow पे जाना है. और क्या लिखा है? Other than settle my debt with some great gossip, I am not sure. You can always browse my stock, of course. I did hear that if you put a chicken and snake in the same animal cage and snake shake it hard enough, they turn into sea serpent. Oh, seriously? हम चिकन एंड स्नैक को पकड़ के एक ही केज में रखे और फिर हिलाए तो सी सरपेंट बनेगा. वाह. एंड ऑल मेरी पता नहीं ये ऐसा बोल रहा है ये. क्या नहीं गया नहीं है. ट्राई करना पड़ेगा. हमें सांप और चिकन को एक एक केज में पकड़ना पड़ेगा. देखना पड़ेगा फिर करके रहेंगे. बाद में ट्राई करेंगे. कंटिन्यू. तो हमें कहाँ पे जाना था? मैं भूल गया. फिर से देखना पड़ेगा. कहा गया क्या लिखा था? सिंकिंग कव. ओके, सिंकिंग कव पे जाना है हमें. कैनन कव है. और कौन सा कव है? लोन कव है. फिर सिंकिंग कव ही लिख रहे थे. शार्क बेट कव. ये भी है. शार्क बेट कव भी है. सिंकिंग कव मतलब क्या होता है? जो डूब रहा है ऐसा. देखो ये आधा डूबा हुआ भी है और पानी भी है. यहाँ पे तो नहीं जाना शार्क बेट कव पे. द संकन ग्रूव. नॉर्थ ले लो. नॉर्थ चलो. नॉर्थ में चलते हैं. सेल गिराओ. चलो द संकन ग्रूव. यहाँ पे हमें जेस्पर मिलेगा. रिया नहीं मिला तो फिर पता नहीं कहाँ मिलेगा. एंकर गिराओ. मैं थक गया. देखते हम सही जगह पे आए भी है या नहीं. जेस्पर कहाँ है? कैसे मिले? ओए ओए, यहाँ पे कोई तो है. कोई तो है यहाँ पे. वही तो. कहाँ कहाँ कौन बोल रहा है? कहाँ पे बोल रहा था? पर ये बोल कहाँ रहा था? ओ मिल गया. यहाँ पे नीचे यहाँ पर है कैप्टन शो. नीचे आ जाओ. यहाँ पे बैठे बैठे पार्टी कर रहे हैं लोग. शायद इसको मार के कुछ मिलेगा हमें. ओए फाइट चालू हो गई. कौन घुस गया अंदर से फाइट करने? बड़ी शॉटगन. ये रहा ना, मारो इसको. शॉटगन मार रहा है. फोड़ दिया कैप्टन को. फोड़ दिया. अरे ये स्केलेटन. मैं खा रहा हूँ. मुझे भी मार दिया. दोनों मर गए. अरे रुको. अरे खा लो. मैं आ रहा. इसको उठा. वापिस तू उठा.
फोड़ दिया मर गया क्या? हाँ मर गया। और देखो ऐसे कुछ मिला और लोग मिले गए और लोग मिले। फ्रूट ले लो लेना है तो। चलो हमें लोग मिले बुक में और भी और पेजेस ऐड हुए। देखो लास्ट चांस, हमें कहाँ जाना है ऊपर पता लगा रहा है। नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे क्या लिखा है? ब्रिंग मी दैट कप आई एम हॉट टू बी राउश टिल यू एंड क्या ग्रिपर हैव बोथ रिटर्न्ड आई शैल टेक माई रेस्ट एट 12 रेस्ट एट 12। इसका क्या मतलब है रेस्ट एट 12? दौड़ के तो वो मिला हमें शायद कैनन को पे भी जाना है अभी। हटो तो लोन कव कैनन कव का है यहाँ पे, वहाँ पे भी जाना है शायद हमें। मुझे लग रहा है इसी आइलैंड पे ढूंढना है हमें। ये क्या लिखा है बताओ पहले से क्या क्या क्या? देखो फ्रॉम साउथ बीच सी ओके रुको मुझे साउथ बीच पे जाने दो। साउथ पे आ गया है चलो रुको इनको खत्म करना पड़ेगा। ओके साउथ बीच पे आ गया आप बताओ। राइजिंग सन सन ही नहीं है। राइजिंग सन सन ही नहीं है बोलो फिर आगे। राइजिंग सन वॉल्कवेन क्रैकन बोन सन ईस्ट में क्या निकल के ये क्रैकन बोन यहाँ पे है। फिर आगे 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 क्रैकन बोन क्या नॉर्थ स्टार? नहीं 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 पहले से बोलो फ्रॉम साउथ बीच सी फेस राइजिंग सन वॉल्क वेन क्रैकन बोन फेस नॉर्थ स्टार वॉल्क वेन है। रुको एक एक लाइन बोलो एक साथ नहीं। देखो क्रैकन बोन तक मिल गया हमें। ओके हाँ शायद ये क्रैकन बोन ही लग रहा है। फिर फेस नॉर्थ स्टार वॉल्क फेस नॉर्थ स्टार वॉल्क वेन ट्री वॉक ना वॉक वॉक चलो। ओके फिर वेन फेस सेटिंग सन वेन ट्री 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 पेड फेस सेटिंग सन वॉल्क 7D मतलब सात पैर चलना है। फिर वहां से आगे मतलब ये ट्री उस ट्री से नॉर्थ की तरफ चलना है। नहीं फिर उसके बाद नॉर्थ की तरफ गया फिर उसके बाद क्या करना है? वहां से सात पैर चलना है आगे। ट्री के बाद का पढ़ो तो ट्री के बाद सात पैर आगे चल के खोदना है। पूरा फिर से पढ़ो। ओके फ्रॉम साउथ बीच सी फेस राइजिंग सन वॉल्क वेन क्रैकन बोन फेस नॉर्थ स्टार वॉल्क वेन ट्री फेस सेटिंग सन वॉल्क 7D। ओके सेटिंग सन मतलब सन जहां पे सेट होता है। ईस्ट वेस्ट वेस्ट की तरफ देखना है पर ये पेड़ से तो वेस्ट में जा ही नहीं सकता। वह ये पेड़ तो नहीं है यहां से भी नहीं जा सकता। कौन सा पेड़? ये पेड़ तो नहीं है फिर ये वो है ही नहीं। मे बी आई एम फुल स्पीड वापस रुको साउथ बीच क्रेकन्स बोन फिर ये वाला ट्री तो नहीं है। ये ट्री होना चाहिए हो सकता है। अरे इनको मारो पहले आएगा आएगा पीछे से कहीं से। फिर वेस्ट में 7 स्टेप सेवन नहीं यही जगह है यार कोई और जगह है पता नहीं। साउथ बीच पे तो है ईस्ट में जाना है क्रैकन बोन फिर कुछ और है क्रैकन बोन। अच्छा यहाँ पे भी तो है ढेर सारे
यहाँ से वॉक करना है नॉर्थ में, नॉर्थ स्टार की तरफ, ये पेड़, फिर यहाँ से रे कंपस, वेस्ट में सेवन स्टेप, मिल गया ये है, ये मिल गया। एक बिरल तो ये क्या मिल गया, मैं फोड़ के आया। मुझे लग रहा है अभी कैनन का ऊपर जाना है हमें, कैनन का भी कौन सा था वो? आप जाओ यहाँ से, भाग जाओ दूर। रे रे ज़ॉम्बी को मार के आया है। चलो साउथ वेस्ट।